नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निमय प्रधान और मैं आपको स्वागत करता हूँ आपका चैनल बाबा बाबा जी को। दोस्तों, मैं आज फेयर एंड लवली एडवांस मल्टीविटामिन फेस वॉश के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे फेयर एंड लवली पहले क्रीम आता था, लेकिन अभी उसका मार्केट में फेयर एंड लवली ओमेन फेस वॉश भी आया है और मेन का भी आया है। लेकिन ओमेन का पहले से 2 साल पहले आया है, लेकिन अभी मेन का आया है। लेकिन मैं आज आपको ओमेन का जो फेस वॉश है उसके बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने जो क्रीम आपको दिखा रहा हूँ वो है 20 ग्राम का 25 रुपी। दोस्तों, ये पैसे में इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना कम पैसा में उसका फ़ायदा बहुत है। दोस्तों, मैंने इस क्रीम को मेरे ऊपर और मेरे बहन के ऊपर 1 हफ्ते यूज किया और उसके बाद जो रिजल्ट आया मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, फेयर लवली का जो आप क्रीम जैसे स्मेल करता है उसका फेस वॉश भी उसी टाइप का स्मेल करता है और उसका क्रीम लगभग एक ही टाइप का है। मतलब जैसे आप जानते हैं फेस वॉश उसका क्रीम एक ऑयली टाइप का होता है, वो भी एक ऑयली टाइप का उसका फेस वॉश है। ये स्किन को सॉफ्ट करता है और उसका इफेक्ट जो है वो 3-4 घंटा रहता है। ये क्रीम तो हालांकि ओमेन के लिए है, लेकिन मेरे हिसाब से मेन भी उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 1 हफ्ते उसका यूज किया और उसका फ़ायदा बहुत है। जैसे कि आपका स्किन को सॉफ्ट करता है और ब्राइटनिंग ज़्यादा बढ़ा देती है। और उसका प्राइस भी मैंने आपको बताया 20 ग्राम को 25 रुपी, वो बहुत कम है। मेरे हिसाब से उसका जो क्रीम और फेस वॉश में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्रीम आप मुंह में लगाते हैं, लेकिन फेस वॉश को आपको धोना पड़ता है, यही है डिफरेंस। लेकिन जो रिजल्ट है वो सेम ही है। मैंने आपको इस क्रीम का कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं ऐसे क्रीम जैसे फेयर लवली का जो क्रीम होता है उस टाइप का है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप उसे यूज करिए और उसका फ़ायदा जो है आप उठा सकते हैं। मतलब उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उसे मेन ओमेन दोनों यूज कर सकते हैं। आप 2 बार दिन में यूज करिए। जैसे कि आप इसे पिंपल के लिए, इस टाइप के लिए आप यूज मत कीजिए। आप मुंह को सफा रखने के लिए, मतलब कुछ ही टाइम के लिए गोरा बनाने के लिए आप यूज कीजिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।